नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना कैंटोनमेंट की पुलिस ने गत दिनों लूट की वारदात में शामिल दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। जालंधर पुलिस ने कार चोरी करने वाले तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरीशुदा कार की बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस गत रात्रि एक्शन मोड में आई नजर, लाल व नीली बत्ती और वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने वाली गाड़ियों के किए चालान। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में गत दिनों एक लूट की वारदात हुई थी, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी और सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद अमृतसर के थाना कैंटोनमेंट में एसएचओ खुशबू शर्मा की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें थाना कैंटोनमेंट की हद के अंदर आते इलाके में तीन लुटेरों द्वारा राहगीरों को लूटने की वायरल वीडियो के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे तीन लुटेरों में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक कुमार और वरियाम सिंह के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि यह लोग प्रवासियों को अपना निशाना बनाते थे। इन पर पहले भी अलग अलग मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कल एक वीडियो वायरल हुई सी, मॉर्निंग सानू भी रिसीव हुई। उहदे च की है कि तीन एक्यूज्ड हैगे जिहड़े स्नैचर्स, वो एक प्रवासी मजदूर कोलों लुटखो करदे आ। आपां एरिया आइडेंटीफाई कीता, वह पुतलीकार चौंक रघुनाथ मंदिर के नाल दी गली दा आया। तो इस संबंधी जिहड़ी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई कि उस जिहड़े एक्यूज ने उन्होंने आइडेंटीफाई करके उन्होंने नैप किया जाए। ये रिगार्डिंग जो कंप्लेनेंट है वो वालों कभी दरखास्त नहीं कोई दी गई। फिर बाद जो कैमरा सीसीटीवी सारा कुछ चेक किया गया तो ये 25 तरीक की रात का वकुआ पाया गया। तो जिहड़े तीन उहदे च स्नैचर्स दिख रहे हैं उन्होंने बाद च आइडेंटीफाई किया। आइडेंटीफाई करके बाद उन्होंने मतलब कि वक् वक् टीम राही जो दो स्नैचर्स तिना चो जे नैप कर ले, जिन्हों के नेम है दीपक कुमार तम्मा तो हरदीप सिंह पोलू। एक जिहड़ा है वो अजे ही इज एट लार्ज, उन्हें अरेस्ट करना बाकी है। जालंधर पुलिस को चोरी हुई कार सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। 24 दिसंबर को फरीदकोट के रहने वाले संदीप कुमार ने कार चोरी की कंप्लेंट फोकल पॉइंट चौकी में दर्ज करवाई। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए थाना प्रभारी नवदीप सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर रात करीब 10:30 बजे की घटना है, जब संदीप कुमार नामक व्यक्ति की कार फोकल पॉइंट सब्जी मंडी के पास खड़ी थी, जिसकी चाबी भी लगी हुई थी। उस गाड़ी को तीन व्यक्ति चोरी कर फरार हो गए थे। इस मामले संबंधी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उक्त चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी हुई कार भी बरामद कर ली है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए चोरों की पहचान अक्षय, ईशु और राजू के तौर पर हुई है। फिलहाल इस मामले संबंधी आगे की कार्यवाही की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मानजो कमिश्नर साहब ते सीनियर अफसरों की डायरेक्शन के तहत जी नाकाबंदी ते होर माड़े अंसर के खिलाफ जी ड्राइव चलती है, उस जी थाना डिवीजन नंबर 8 में सक्सैस मिले। इस तरीके भी संदीप कुमार नाँ का व्यक्ति है, इन्हें जोड़ा फरीदकोट का रहने वाला, इन्हें 24 तरीक न पौने 10 बजे के करीब अपनी सब्जी मंडी के कोल फोकल पॉइंट के पास गड्डी लाई सी, बिचे चाबी से यदि गड्डी जी तीन व्यक्ति जी उतों जी चोरी करके लै गए। तो जिदे तहत जोड़ा सब इंस्पैक्टर नरेंद्र मोहन जे इंचार्ज फोकल पॉइंट ने उन्होंने अगवाई के एस ए बलविंदर ने जोड़ा से मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने बाद जोड़े सके तीन बंदे जिन्हों के नाम अक्षय, ईशु तो राजू है, ये राउंड अप कर ले। इन्हां दे कोलों जिहड़ी टवेरा गड्डी सी जिहड़ी उह लैके गए सी, उह भी बरामद हो गई है। तो इन्हां दे विचों क्रिमिनल हिस्ट्री जिहड़ी अक्षय की क्रिमिनल हिस्ट्री हैगी है, उहदे ते एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिद्दां जिद्दां होर फर्दर आएगा तो डिस्कलोज कर दिता जाएगा। गत रात्रि पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। पुलिस की ओर से उन गाड़ियों के चालान किए गए जिन गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती और वीआईपी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था। इस दौरान कार्यवाही करते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए एसीपी मॉडल टाउन रणदीप कुमार ने बताया कि नाके के दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो को रोका गया, जिस पर लाल नीली लाइट लगी हुई थी और ड्राइवर के पास ना तो गाड़ी के कागजात मिले और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस मिला है।
गाड़ी चालक ने ये गाड़ी किसी जज की बताई। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान इस तरह का कुछ भी सामने नहीं आया है, जिस कारण गाड़ी को इम्पाउंड कर दिया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये गाड़ी सी ब्लैक कलर दी स्कॉर्पियो, ये वीआईपी कल्चर प्रमोट करने लिए रेड ब्लू लाइट गाली गाड़ी में पाया सी। ते गाड़ी का जो नंबर है वो है PB08DD0121। हर प्रताप सिंह सन ऑफ सुरजीत सिंह वासी बुलंदपुर पोस्ट ऑफिस नूरपुर जलंधर के रहने वाले सके। ये गाड़ी में रेड ब्लू लाइट पाया सी, ते इसनु जदों नाके ते रोकिया गया, इन्होंने कहा कि गाड़ी किसी जज साहब की है, बट वेरीफिकेशन में पाया गया कि गाड़ी किसी जज साहब की नहीं है। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੌਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਡੀ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਡੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਸੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗਾਡੀ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। होशियारपुर में सिडबी बैंक के सहयोग से एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सापला द्वारा 7 स्कीम की शुरुआत की गई, जिसके तहत एससी समाज के लोगों के लिए सस्ती दरों पर लोन की शुरुआत की गई। इस मौके पर बैंक के चेयरमैन और एमडी एस रमन ने कहा कि सिडबी बैंक 7 स्कीम की शुरुआत होशियारपुर में कर रहा है। इस मौके पर एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने कहा कि स्कीम से एससी भाईचारे के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने में सहयोग मिलेगा और पहले से शुरू किए गए कार्यों में भी इसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति लोकल ब्रांच में जाकर इस बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मैं सिडबी बैंक के चेयरमैन साढ़े पंजाब की धरती से आए और होशियारपुर की धरती से आए, उन्होंने एक बहुत ही वधिया स्कीम जो एस सी वास्ते है सुपर कास्ट इंटरप्रन्योर वास्ते शुरू की है, वह गलिया गहराइया तो धन्यवाद करना क्योंकि उन्होंने शुरुआत होशियारपुर तो की है। और ये जड़ी स्कीम है ये बहुत असं कह सकते कि वधिया रूप के उन्होंने जी पेश की है, क्योंकि जो तो बैंक खुद अपनी घोषणा करता उस अपनी स्कीम की तो उसको वधिया रूप के लागू करता ये सब तो वड्डी, क्योंकि बैंकों के जोड़ा लोन होंदा है वो बैंक जो जाने तो बहुत वड्डिया वड्डिया प्रोसैसिंग फीस तो लंघना पैदा है। ये जी आम जड़िया सरकारी बैंक ने उन्हों की प्रोसैसिंग फीस जी वो 1% है, जबकि ये वो 1% का भी चौथा हिस्सा भाव 0.25% के उत्ते काम करेगी। और जी ये सब तो होर वड्डी गल है कि जदों एंटरप्रेन्योर कोई भी काम करने की क्षमता तो वह है, पर उसको गरंटी देने दे लिए उसको कोलैटरल देने दे लिए कोई कोई प्रयास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, और भी बैंक ने एक प्रयास किया है। अज वो पहली जड़े रूप के 5 लोगों छोटे लोन भी अज जड़े सेंक्शन किए जिन्होंने दिता है 5 एक संबोलिक रूप से दिते ने ताकि अच्छ असी विधिवत रूप से शुरू कर दिता स्कीम ऐसा ये तो वो जी सिंपल है जो क्रेडिट अपना हैगा उत्ते निर्भर करता है और डाक्यूमेंटेशन के उत्ते पूरा जिनी यदि आम तौर पर जोड़िया बैंकों का जी लिमिट होंगी 5 साल की है पर रिटर्न करने 5 साल तक के रिटर्न, पर यह एस सी जी वास्ते जी 7 स्कीम है ये उन्होंने 7 साल का टाइम दिता है, 2 साल होर बता के। जनवरी में पंजाब में दाखिल हो रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां पंजाब कांग्रेस में उत्साह है, तो वहीं यात्रा के स्वागत के लिए जिला स्तर पर कांग्रेस की ओर से इस यात्रा संबंधी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत बठिंडा में पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय इंद्र सिंगला की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा बाजारों में से निकाली गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सिंगला ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में आपसी भाईचारे और अखंडता को कायम रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने हर एक को एक धागे में पिरोकर रखा है, पर केंद्र सरकार की ओर से अब जात और धर्म के नाम पर राजनीति करके आपसी भाईचारक सांझ को खत्म किया जा रहा है, जिसके चलते भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया गया है जो कि कन्याकुमारी से शुरू की गई है और देश के अलग अलग हिस्सों से होती हुई अब ये पंजाब में दाखिल होने जा रही है, जिसका पंजाब कांग्रेस की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। ये यात्रा कन्याकुमारी तो चालू हुई सी, बहुत सारे लोगों को शायद यात्रा बारे पता भी नहीं सीगा,
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ। पूरे देश में नव वर्ष के अवसर पर प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपने ढंग से पुराने वर्ष को अलविदा कहकर नव वर्ष की शुरुआत करता है, तो वहीं नव वर्ष के अवसर पर अमृतसर पुलिस द्वारा अमृतसर के पॉश इलाकों में जाकर वहां के होटल मालिकों और बार के मालिकों के साथ मीटिंग की जा रही है और उन्हें हिदायतें जारी की जा रही हैं कि कोई भी व्यक्ति होटल और बार के अंदर हथियारों के साथ नहीं आ सकता। इसके साथ ही प्रत्येक होटल के CCTV कैमरे चलते होने चाहिए ताकि किसी भी अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके। इस मौके पर ACP अमृतसर नॉर्थ वरिंदर सिंह खोसा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि नव वर्ष के अवसर पर उनकी ओर से हर एक होटल और शराब के बार मालिकों के साथ मीटिंग कर उन्हें हिदायतें जारी की जा रही हैं, तो वहीं होटल मालिकों ने भी उन्हें विश्वास दिलाया है कि वे उनकी हिदायतों की पूरी तरह से पालना करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज असीं जी सारे नॉर्थ सब डिवीज़न के बार ओनरस, रेस्टोरेंट ओनरस, होटल ओनर सारे नूं बुलाया सी। इस विच असीं इन्हां नूं क्लीयर इंस्ट्रक्शन दित्तियां ने कि नवें साल नूं मद्देनज़र रखते हुए कुछ आपां नूं हिदायतां दा ध्यान रखना, जिस विच कि वह किसी भी तरह नाल गड्डियां दे विच दारू नहीं पिआउणगे, राइट। उस तो बाद उन्होंने इस चीज़ ध्यान रखना कि कोई वैपन लैके नहीं आऊगा, अगर कोई बंदा वैपन लैके आता तो उसके वैपन में डिपोजिट किया जाऊगा फिर अंदर जा सकता। तीसरा इन्हों वालों लाइटनिंग CCTV का प्रबंध किया जाऊगा, इसलिए असी स्पैशल नाकाबंदी की है जी, नाल नाल ट्रैफिक पुलिस भी डिप्यूट की हुई है जो इन्हों साढ़े नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक में कंट्रोल करेगी, तो असी हर जगह पर ब्रैथिंग एनालिसिस ना टेस्ट भी करा ता कि कोई भी दारू पी के जोजी घटना सामने गड्डी वगैरह ना चलावे। आज मीटिंग हमारे एरिया नॉर्थ के DCP साहब ने, खोसा साहब ने ली है, तो उन्होंने बेसिकली जो न्यू ईयर के लिए हिदायतें दी हैं कुछ जो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं और आगे भी फॉलो करनी है। जैसे आपने टाइमिंग अडेयर करनी है, आपने कोई आप वेपन्स नहीं अलाउ करने हैं वो वैसे भी हम नहीं करते हैं, और बाकी आपका जो स्टाफ है वो भी ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। आपको जो बाउंसर वगैरह अगर आप बुला रहे हैं वो भी वेरीफाइड होने चाहिए बेसिकली आपको, और बेसिकली पार्किंग में आपका अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए, पार्किंग भी आपकी पूरी कवर्ड होनी चाहिए, CCTV आपके वर्किंग होने चाहिए, ऑल एमरजेंसी लाइक फायर एंड ऑल फायर हाइडेंट आर वर्किंग फायर एक्सटिंग्विशर, दैट्स इट। मोरिंडा शहर के एक निजी हॉल में भाजपा की ओर से एक बैठक की गई जिसमें भाजपा के संगठन मंत्री श्री निवासुलू और जिला रूपनगर के नव नियुक्त प्रधान अजय वीर सिंह लालपुला विशेष रूप से पहुंचे। इस बैठक में शहर के कुछ ही भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दिए जिससे शहर में भाजपा में आपसी फूट देखने को मिली, क्योंकि इस बैठक में भाजपा पार्टी के मंडल प्रधान और जनरल सचिव, युवा मोर्चा के प्रधान तथा SC मोर्चा का कोई भी पदाधिकारी दिखाई नहीं दिया, जिससे साफ पता चलता है कि शहर में भाजपा पार्टी दो फाड़ हुई है। वहीं इस संबंध में बात करने के लिए कोई भी भाजपा पार्टी का पदाधिकारी मीडिया के सामने बात करने नहीं आया। मोरिंडा से हलचल के लिए राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। जंडियाला गुरु के नज़दीकी गांव धारड़ निवासियों का कहना है कि उनके गांव की लाइट पूरी रात बंद रहती है और दोपहर के समय आती है व रात होते ही फिर से बंद कर दी जाती है। गांव वासियों का कहना है कि उनके पास और गांव भी हैं जिनमें बिजली पूरी तरह से आ रही है, लेकिन उनके गांव के साथ पता नहीं क्यों भेदभाव किया जा रहा है। गांव के कुछ गरीब घरों के पुरुषों और महिलाओं ने बताया कि उन्होंने सुबह अपने काम पर जाना होता है और अपने बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना होता है, लेकिन सुबह सुबह बिजली बंद होने के कारण रोटी बनाने और घर का सामान ढूंढने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गांव वासियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें 24 घंटे निर्विघ्न बिजली दी जाए।
इस मौके पर SDO सुखजीत सिंह ने बताया कि एक पिन इंसुलेटर है जो सर्दियों के कारण रात के समय मॉइस्चर आ जाने के कारण बंद हो जाता था और जब धूप निकलती थी तो फिर से शुरू हो जाता था, जिसका नुकसान अब ठीक कर दिया जाएगा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, बहन जी किदां तुहाडा जी? जसवीर कौर। ते तुहाडे पिंड बत्ती दा की हाल जी? बत्ती दा बहुत बुरा हाल है, कोई पुछण वाली गल ही नहीं है कि इन्ना मंदा हाल है ना कि रात 10 बजे तो बत्ती चल जाती है, ना कुछ देखता ना भालदा। कि तुहानू पता बजुर्ग आदमी है तो जिथे भी हाथ पाउणा वा चानण ते पैऊगा, नेरे ते हाथ पै नहीं सकदा। तो जो भी साडा सिस्टम चलना कि बत्ती ना चलना, कि जिन्हां दी निगाह ओह जी है वह बेचारे की करन, कि कोई चीज़ भी नहीं लभदी, ठेडा खा के डिग पैंदे आ, कोई फायदा नहीं है। कि साडे भाड़े ते रात भी ओह ते दिन भी ओह, 10 बजे तो बत्ती बंद हो जाती है, बाथरूम करन भी उठना तो उदों भी नेरा, कि दरवाजा ही नहीं लभदा कि बाहर निकल नूं। दूजी गल ये आ कि रात 10 बजे तो बत्ती बंद हुंदी, दिने 12 बजे बत्ती आउंदी आ। दिने कम्मां दा टाइम हुंदा, ना वेले ना उठ सकदे आ ते ना वेले ना कम कर सकदे आ, कम्मां वालेयां नूं कम्मां ते नहीं खिला सकदे। बत्ती जी रात दी बंद आ ते असीं दुकान की कर खोलणी, कि सवेर दी बौणी ने रात सवेर दी कीती, कोई बौणी बणी नहीं कीती, तो नहीं की करना वा ते बैठे सिकण डए आ टायर बाल के। पंजाब में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण हर कोई ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों के मौसम को लेकर भविष्यवाणी की गई है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि आने वाले 3 दिन 28, 29 और 30 दिसंबर को घनी धुंध और ठंड से राहत मिलने की संभावना है। अगर बात जालंधर की जाए तो हमारी टीम ने देर रात ग्राउंड जीरो पर जाकर चेक किया कि ठंड को लेकर लोगों का क्या कहना है। इस दौरान एक राहगीर जो कि फगवाड़ा से जालंधर आ रहा था, उसने बताया कि ठंड के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। उसने बताया कि किसी की ओर से आग लगाकर सेकी जा रही थी, जिस कारण वह भी इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग सेकने के लिए रुक गए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अभी बहुत ठंड पैंदी पई है। कित्थों आए सर? मैं भाई इधर फगवाड़े तो आ रहा हूँ बाइक पे, वो ज्यादा ठंड पैंदी पई। मैं चलो आग का तो भाजी बैठी हुई अग बाल, चलो अग से भाजी कुछ नहीं देखता पे, आगे तो समझ नहीं आ रही की करी, बहुत औखा इतने पहुंचे। जाना कितने सर? मैं इधर जाना बूथे। दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुज्जर कौर के शहीदी दिवस को समर्पित तथा बाबा मोतीराम मेहरा द्वारा शुरू की गई दूध के लंगर की प्रथा को समर्पित जालंधर के शेखा बाजार में दूध का लंगर लगाया गया, जिसका शुभारंभ विधायक रमन अरोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया। इस मौके पर राकेश कश्यप, पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज जो कि कश्यप राजपूत सभा वालों प्रधान मनी जी साडे सारी टीम ने इत्थे शेखा बाजार दे विच दुध दा जो कि लंगर लगाया, उहदे विच साडे चेचे तौर दे उपर MLA अमर अरोड़ा जी ने आके जो लंगर का उद्घाटन किया, असी उन्हों का इतने आम से अपनी कश्यप राजपूत सभा वालों धन्यवाद करते हैं। जय धन धन गुरु तेग बहादुर, केंद्रीय चादर जिथे सिमरीए उत्थे हाजिर, उन्होंने महावाक अनुसार अज दी जलंधर कश्यप राजपूत सभा जिला जलंधर वालों अमर शहीद बाबा मोती राम नारायण याद में समर्पित दुध का लंगर लगाया गया। और ये जी दुध की सेवा अमर श्री बाबा मोती राम महाराज जी ने 3 दिन 2 रात साहबजाद की माता जी गुजरी जी की याद में समर्पित सी, और उन्होंने दुध पिलाने के अगज में पूरा परिवार कुल्लू चीता गया। और मैं समझदा वा गुरु साहब की शिक्षा के मुताबिक, गुरु साहब की कुरबानी के बाद अमर शहीद बाबा मोती राम महाराज की सब तो लासानी शहादत है, असी श्री मोती लाल मेहरा जी की शहादत के उपलक्ष्य के बाजार के लंगर की सेवा की जा रही है। मोती लाल मेहरा जी वो सन जिन्होंने छोटे साहबजाद दुध की सेवा की सी, पर उस तो बाद उन्होंने सारे परिवार को शहीदी कर दिया गया सी। उन्होंने मिठी याद के अज उन्होंने याद करते हुए साढ़े
मनी जी, प्रधान जी, राकेश कश्यप जी और साडे सतपाल जी इन्हां परिवार वालों बाजार वालों अज लंगर की सेवा की गई है। उस महान पुरश नूं अज याद किया गया है। मैं इन्हां नूं सारिआं नूं बहुत बहुत बधाई देता। दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे और माता गुज्जर कौर जी सहित समूह शहीदों की पवित्र याद में अलग अलग समागम किए जा रहे हैं, जिसके तहत सिख कौम के चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब में शहीदी समागम किए गए, जिसमें तीन दिन से प्रकाश किए गए श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। इस दौरान हजूरी व रागी जत्थों द्वारा वैरागमयी कीर्तन भी किया गया। इसके साथ ही श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से शहीदी समागम के मौके पर मूल मंत्र का जाप करने का संदेश भी दिया गया। गुरुद्वारा बाबा धीर सिंह में बड़ी संख्या में संगतों ने मूल मंत्र का जाप और वाहेगुरु जी का सिमरन किया, तो वहीं तख्त साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह ने शहीदी समागम पर प्रकाश डाला और गुरु साहिब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जाको हर रंग लागू इस युग में है, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा दे महावाक अनुसार। सत्कारयोग माता गुजर कौर जी, गुरु के छोटे फरजंद बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, उन्हां दी अदुती शहादत नूं मुख रखदिया होया तख्त साहब के समुचे ही प्रबंध वालों परसों रोज तो सतगुरां दी पावन बाणी के श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ होए सन। अज अमृत वेले गुरु की पावन बाणी की संपूर्णता होने उपरंत गुरुद्वारा दमदमा साहब जी विखे गुरबाणी शब्द कीर्तन होए, उपरंत अरदास बेनती समूह संगत ने हाजरियां भरिया। इसी तरह श्री अकाल तख्त साहब के संदेश अनुसार नानक नाम लिवा सिख संगत ने गुरद्वारा बाबा वीर सिंह, बाबा धीर सिंह जी विखे बैठ करके मूल मंत्र गुरमंत्र के जाप किए और उन्हां महान शहीदां नूं निक्कियां जिंदां वड्डे साके करन वाले बाबिआं दे चरणां 'च नमन कीता है। दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और आदरणीय माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए और श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशानुसार संगति रूप में 10 मिनट के लिए मूल मंत्र का जाप कर श्रद्धा और सत्कार भेंट किया गया। इस मौके पर सचखंड श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी भाई जगतार सिंह राजपुरा के जत्थे की ओर से गुरबानी का संचार किया गया, जिसके बाद भाई बलजीत सिंह ने अरदास की। इस मौके पर कथावाचक भाई अमरीक सिंह ने कहा कि छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत के चलते सिख कौम की नींव मजबूत है और संगतों को इनकी शहादतों से प्रेरणा लेकर गुरसिखी जीवन परिपक्वता के साथ जीना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सिख नौजवानों को अपील की कि वे गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साहिब इकमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे महान सपूत साहिबजादे अज दे दिन गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब विखे वजीदे की कचहरी दे विच जो अरैसट होए सन, गिरफ्तार किए सन, उन्हां नूं अनेकां ही लालच लोभ लालच दे करके धर्म नूं टगाउण वास्ते अते इसे तरह ही उन्हां नूं अनेकां तसीहे दे के ठंडे बुरज दे विच रख करके 2 दिन की कचहरी दे विच जदों उन्हां नूं सारे उन्हां दे जिहड़े जतन सन ओह फेल हो गए ते कल जिहड़ा दिन लंघिया उस दे दिन काजियां ने जो फतवा दे करके जो उस वेले दीवारां सन दीवारां दे विच चिण करके उन्हां नूं शहीद किया। अज दे दिन महान जिहड़ा सपूत सीगा गुरु घर दा दीवान टोडर मल उन्हें गुरद्वारा ज्योति स्वरूप विखे उन्हां दे महान पवित्र देहां नूं लिजा करके उस थां दे उत्ते जा करके उन्हां नूं इशनान करवा करके उन्हां साहिबजादियां दा अते माता गुजर कौर जी दा दीनारां नूं खड़े करके चिण करके जमीन मुल लै करके उन्हां दा अज दे दिन संस्कार किया। सो यह जिहड़ा दिन बहुत वड्डा सिख पंथ वास्ते प्रेरणा स्रोत है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया।
इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिन्नी सांवरिया, चंद्र, कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मेरा कोई नहीं जगदम्बे बिन तेरे, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं जगदम्बे बिन तेरे, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं जगदम्बे बिन तेरे, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। किसे ने हसाया ना कदे, दुनिया ने हंजू दिते किसे ने हसाया ना कदे, सबना ने ठोकर मारी किसे ने उठाया ना कदे, सबना ने ठोकर मारी किसे ने उठाया ना कदे। मैं हे जगदम्बे, हे महामाया, हे महामाया, सर के बल में चल कर आया, चल कर आया, आज ना तेरे मा, आज ना तेरे दर्श हुए तो दूंगा ले पुकार जोता वाली पहाड़ा वाली माँ, जोता वाली पहाड़ा वाली माँ, तेरे दरबार झुके सारा संसार माँ, तेरे दरबार झुके सारा संसार, मेरी सुन ले पुकार जोता वाली पहाड़ा वाली माँ, जोता वाली साढ़े मेरे तेरी मेहरबानी, राज रानी, राज रानी साढ़े मेरे तेरी मेहरबानी। ओ जे तू नाई जगदम्बे, मेरी होवे जी रुसवाई अम्बे, जे तू नाई जगदम्बे, मेरी होवे जी रुसवाई अम्बे, ओ मेरी होवे रुसवाई अम्बे, जे तू नाई जगदम्बे, मेरी होवेगी रुसवाई अम्बे, जे तू नाई जगदम्बे। चपोरे भाई राम नाम सुखदाई, चपोरे भाई राम नाम सुखदाई, चपोरे भाई जपोरे भाई राम नाम सुखदाई। तेरे खेल खिलौने तेरिया ने सौगाता, तेरिया ने सौगाता, तेरिया ने सौगाता, सुख दुख तेरे खेल खिलौने तेरिया ने सौगाता, तेरिया ने सौगाता, तेरिया ने सौगाता, जो चाहे चोली विच पा दे। पवन कुमार मल्होत्रा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया एवं रस्म पगड़ी श्री देवीतला मंदिर स्थित श्री राम हाल में की गई।
जिसमें आए हुए पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय पवन कुमार मल्होत्रा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, भाजपा देहात के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहिंदर भगत, रमन पब्बी, आरएसएस के सुमेश लुद्रा, रॉबिन सांपला, अजय चोपड़ा, भूषण कोहली, रमन शर्मा, राजू शर्मा, अनिल सच्चर सहित धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय पवन मल्होत्रा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। महान पुरुष और महान व्यक्ति बहुत ज्यादा समय नहीं जीता, थोड़े समय जीता, कितना जीता है या हजारों वर्ष तक उसे स्मृति में याद रखते, उसके किए हुए कार्यों को याद करते। बहुत ही दुख की घड़ी है सारे समाज के लिए और परिवार के लिए। पवन जी मेरे हमउम्र सी, मेरे जमैती सी, और असी इको पल च रहे। अज ईश्वर का भी गिला करने मन करता कि ईश्वर ये महामाई जिहड़ा प्राणी लोगों ने सवेरे उठ के हॉस्पिटल जाके मरीजा नूं दुध पिलांदा सी, दलिया खवांदा सी, शामा प्रचार मुझे हॉस्पिटल गोपाल नगर दे विच बतौर भुख दे सेवादार जिन्हें कई साल उत्थे सेवा निभाई और नौजवान पीढ़ी नूं एक संदेश दिंदा सी कि असी नशे नूं त्याग के असी धार्मिक इंसान बनना है। कौन इससे झूठा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मौत निश्चित है, मौत असल सत्य है, मौत अवश्य है। जिस तरह जीवन चल चीज का समय है, मौत का भी समय है। जो तू व्यक्ति मत को बुलंदा है, जिम्मेवारी तो सुखी होती है, मनस्थिति बनती है, इस नश्वर संसार तो चले जाए। व्यक्ति की बनती है, परिवार की बनती, जो मौत असमक आती है, क्या है शिव पवन मल्होत्रा जानता समय नहीं सी। 60-65 साल उम्र जिंदगी तो मुकाम होंगे जो जिम्मेवारियों तो सुरखरू हो चुका होता है या हो रहा होता है, और अलाद रूपी फुलवाड़ी लहल हम भी चहचाते देखता है। ठीक है, पवन जी का जाना असमय जाना है, कहर बन के जान समय नहीं सी। हाले तो जिम्मेवारी अधूरी, दो बेटियां की शादियां की थी, बेटे भुवन और अमित उन्होंने की जिम्मेवारी निभानी सी, जनवरी के मैरिज निश्चित। स्वयं का दुख असह और रखे पूरे परिवार ने, धर्म पत्नी ने, बेटिया ने, बेटी ने, भरावान ने, अशोक अश्विन सुशील, ये रिश्ते जो है अटूट होते हैं।
जिस उम्र भी जा जो भी जा दुख दिता आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु निदान धर्म येषाम अधिको विशेषा धर्मेन हीन पशु समान असी सारे मनुख इस करके मानव कह जाते हैं क्योंकि असी धर्म अनुसार जीवन जीवन का एक प्रयास करते हैं और धर्म की है इन बारे संत तुलसीदास जी बड़े स्पष्ट शब्दों के विच कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा संबंध ही है दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा समझ के उसनों दूर करन दा उपराला करन दा काम जो करते हैं उन्हां दे बारे च समझा जाता है कि धर्म अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं समर्पण त्याग न जीवन जीने वाले श्री गलहोत्रा जी पवन जी अंतिम विदाई देने वास्ते तुसी सारे चल के आए मैं गलहोत्रा प्रधान वालों तुहाडा सारिआं दा आभार व्यक्त करदा कहिंदे ने दुख वंडिया घटदा खुशी वंडिया वधदी है तुसी सारे जिहड़े चार कदम चल के आए हो मैं परिवार वालों तुहाडा सारिआं दा इक वारी फिर आभार व्यक्त करदा मैं वो परम पिता परमात्मा के यही अरदास करदा कि परमात्मा इस पुण्य आत्मा नूं अपने चरणां च स्थान दे और परिवार नूं ते एड्डा वड्डा दुख सहण दी शक्ति दे और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना कैंटोनमेंट की पुलिस ने गत दिनों लूट की वारदात में शामिल दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। जालंधर पुलिस ने कार चोरी करने वाले तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरीशुदा कार की बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस गत रात्रि एक्शन मोड में आई नजर, लाल व नीली बत्ती और वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने वाली गाड़ियों के किए चालान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।